फिर अगले प्रकार के घोड़े वो होते हैं जो चाबुक जैसे ही हवा में आवाज करता है, फटकारता है। धम्मपद गाथा कथा नंबर 143, 144 ये जैतवन की कहानी है। एक पीड़ा वाले बालक की कहानी है जिसको पीड़ा थी, जिसको कष्ट था, इसलिए उस बालक का नाम भी पीड़ो टिक पड़ा। ये पीड़ो टिक की उम्र बहुत छोटी थी और वो एक कपाल अपने हाथ में रखता था। कपाल मतलब खोपड़ी, क्योंकि पहले खोपड़ी जो होती थी उसको कटोरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसको कपाल क्रिया तो बाद में नाम दिया गया। तो जहाँ कहीं कुछ खाना वाना मांगना था, जो कपाल है यानी कि जो आदमी की खोपड़ी है वो सबसे बढ़िया कटोरी होती थी, साफ शुद्ध एकदम कैल्शियम की बनी सफ़ेद, और कहीं कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं और एकदम फ्री में मिलती थी वो, यानी कच्चे जो शमशान होते थे वहाँ जो मुर्दे होते थे उनकी हड्डियाँ उनकी खोपड़ियाँ मिल जाती थी। तो लोग उसे खेलते थे, उसको लेके भी आते थे, नॉर्मल बात थी तब, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके लिए परेशानी होते थे, जगह जगह हड्डियाँ जानवरों की मिलती ही रहती थी। तो जो पीड़ोती है यानी जो पीड़ोतिक बच्चा है वो आनंद को मिला और आनंद उसकी दशा देख के करुणा में उसको अपने यहाँ बिहार में ले आए और उसको पवज्जित कराकर इसको भिक्कू बना दिया। भिक्कू बन गया तो उसने जो अपना कपाल था, जो खोपड़ी थी जिसमें वो मांग के खाता था, उसको उसने पेड़ पे टांग दिया और भिक्कू जीवन में सीखने लगा, धम्म को सीखने लगा। धम्म को सीखता 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 उसे बीच बीच में अपना जो मांग के खाने वाला जो चर्या थी, मांग के खाने वाली जो चर्या थी, क्योंकि धम्म थोड़ा मुश्किल भी है प्रैक्टिस करने में, वो बड़ी याद आती थी। तो कई बार उसका मन होता था कि चीवर को छोड़ के और वो चला जाए और कपाल लेके और फिर दोबारा से मांग के खाए। तो वो पेड़ के पास जाता था और कपाल को देखता था, फिर उसे निंदा होने का डर रहता था कि लोग मेरी निंदा करेंगे, लोग मुझे कहेंगे अरे कैसा भिक्कू है, भिक्कू जीवन में आया छोड़ के भाग गया। उस निंदा के डर से वो वापस आ जाता था। ऐसा जब कई बार होता था तो भिक्कू से पूछते थे, अरे पीड़ोतिक तू क्या जाके देखता है, पेड़ पे तू किससे जाके मिलता है? तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मेरे आचार्य हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शास्त्रा हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। तो वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हुए, तो कुछ समय बाद उसने उस पेड़ पे यानी उस जो कपाल है वहाँ जाना छोड़ दिया। बहुत दिन से जब वो नहीं गया तो भिक्कू ने कहा कि अरे पीड़ोतिक क्या बात है, अरे तू तो कपाल के पास अब जाता ही नहीं है, अब तुझे अपने गुरु के पास नहीं जाना? तो वो कहता है कि नहीं, अब मुझे आचार्य की गुरु की अब आवश्यकता नहीं है, मैं बिना गुरु के ही मेरा काम हो गया है, अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इस बात को सोच के जो भिक्कू थे उन्होंने सोचा कि इसको शायद घमंड आ गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे अनंत हो गया हो कि अभी से आचार्य की ज्योत नहीं है, ये सब जानता है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से के संज्ञान में ये बात लाई कि जो पीड़ोतिक है वो इस तरह की बात कर रहा है। भगवान बुद्ध ने देखा, क्योंकि एक अर्थ को अर्थ ही पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। जो सोतापन है उसको सोतापन पहचान सकता है, जो अनागारिक है उसको अनागारिक पहचान सकता है, जो अनागामी है उसको अनागामिक पहचान सकता है, और जो सकदागामी है उसको सकदागामी पहचान सकता है, और बुद्ध को बुद्ध पहचान लेते हैं। तो ये बात उसे जब समझ में देखा भगवान बुद्ध ने, तो भगवान बुद्ध को देखने में समझ में आया कि ये वास्तव में अरहंत हो गया है, निब्बान को प्राप्त कर चुका है। तो उन्होंने बताया कि ये निब्बान को प्राप्त कर चुका है, अब ये अरहत है। तो भिक्कुओं में बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये तो पेड़ की तरफ बार बार भागता था, इसका मन भागता था, ये पेड़ पे जाना इसका बंद हुआ, क्या कपाल को देखते देखते ये अरहंत हो गया? तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। ये गाथा है, बड़ी गाथा है थोड़ी सी, मगर इनका मतलब एक साथ ही है। इसमें घोड़े का बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। हिरी हिरी निषेधो पुरिसो कोची लोकस्मिन विज्जति यो निंदं अपबोधेति अस्सो भद्दो कसामिव। हिरी निधो हिरी निषेधो, हिरी माने होता है निंदा और निषेधो माने होता है जो उसको निषेध कर दे, यानी कि उसको रोक दे, अवरुद्ध कर दे। पुरिसो यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर निंदा अगर रोक देती है, यानी कि वो निंदा से घबराता है या निंदा को देख के उसे लज्जा आती है या निंदा उसके अंदर नहीं होती है, यानी निंदा देख के उसको डर लगता है और उसे लज्जा होती है, सह लज्जावान होता है, उसको इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो उसकी निंदा होगी और उससे मुझे परेशानी होगी। कोची लोकस्मिंग विजति, कोई जो
लोकस्मिंग माने इस शरीर में विद्यमान है जो देखता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में लज्जा है विद्यमान है और जो उसको देख रहा है। यो निंदंग अपबोधयति, जो निंदा को अपबोधयति, अपबोधयति का मतलब है बोधता है, यानी कि बोधता है, देखता है। अस्सो भद्दो कसामेव, अस्सो भद्दो कसामेव का मतलब है जैसे जो घोड़ा है उसको कस दिया या उसको अच्छे घोड़े को चाबुक मार दिया, उसको सहन नहीं करता। यानी कि वो कहते हैं कि अनिंदीय पुरुष, यानी कि जिसमें लज्जा है, जिसमें थोड़ी शर्म है, अगर कोई ऐसा पुरुष लोक में है या उसके शरीर में अगर ऐसा है कि उसको लज्जा है, शर्म है, तो जो ऐसा होता है और अगर उसको निंदा का बोध हो, उसको शर्म का बोध हो, उसको जानकारी हो, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अच्छा घोड़ा जो होता है वो चाबुक को सहन नहीं करता, वो कसना सहन नहीं करता। अगर आपने चाबुक उठा भी लिया तो वो तुरंत आपकी बात मान लेगा। इस तरह जिसमें निंदा की थोड़ी भी जानकारी होती है, बोध होता है निंदा का, वो कोई गलत काम करता ही नहीं है। जैसे ही गलत काम आता है वो वैसे ही उसको सावधान हो जाता है और कोई काम नहीं करता। ये देशना देने का उनका मतलब था कि जो पीणोतिक है, पीणोतिक जब जाता था कपाल के पास में, तो कपाल के पास में जाके उसको ये एहसास होता था कि ये निंदनीय काम है, अगर मैं भिक्खू का जीवन छोड़ूंगा और इससे घबराऊंगा तो लोक में मेरी निंदा होगी और सारे भिक्खू कहेंगे कि देखो कैसा ये भिक्खू है कि अपने पुराने मन को नहीं बांध पाया और बार बार भागता था और डरता था और पुराने काम में आया, तो ये निंदनीय काम है, इसमें बड़ी शर्म और लज्जा है। और वो शर्म लज्जा उसको समझ में आती थी, इसलिए वहाँ जाके देख के वो वापस आ जाता था और अपना मन ध्यान में साधना में लगाता था, इसलिए वो अर्हत हो गया। फिर वो बाद में गाथा में और कहते हैं, अगली गाथा में भगवान, अस्सो यथा भद्दो कसा निविट्ठो, अस्सो यथा भद्दो कसा निविट्ठो आता पिनो या ए तापान्यो संवेगिनो भवात्। अस्सो यथा यानी घोड़े जैसा, भद्दो माने अच्छा, कसा निट्ठो, कसा का मतलब है, कसा माने होता है चाबुक, यानी जो अच्छा घोड़ा है वो इसकी तरह है कि चाबुक वो खाएगा नहीं। कैसे? ए तापिनो संवेगिनो भवात्, यानी कि वो ए तापिनो होगा, तपने वाला जो कोई होगा, संवेगवान कोई होगा। आगे वो कहते हैं, सद्धाय सीलेन च वीरियेन च समाधिना धम्म विनिच्छयन च समप विज्जाचरणा पतिस्सता जहिसत् दुःखमिन्द अनपक्कं। इसका आपको मैं सीधा सा मतलब बताऊं तो इस प्रकार है कि चाबुक खाए अच्छे घोड़े की तरह, तपने वाले संवेगवान बनो, सद्धा सीलवान मेहनत कस, समाधिवान और धम्म में विशेष निश्चयवान बनो, आचरण विधा से संपन्न सतीवान बनो, तभी इस दुख के समूह के विशाल समूह को छोड़कर आप जा सकते हो या दुख के समूह से पीछा छुड़ा सकते हो। असो यथा भद्दो कसा निविट्ठो, निविट्ठो माने होता है स्थिर हुआ, यानी कि समाहित हुआ या सेटल्ड हुआ। जैसे कोई अच्छा घोड़ा होता है जो चाबुक खाने के बाद बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जैसे ए तापिनो संवेगिनो भवात, ऐसे ही ए तापिनो बनो, यानी कि आप तपो ना, संवेग्नि वाले बनो, जिसमें आपका धम्म संवेग जागे, ऐसा आप बनो। सद्धाय सद्धावान बनो, सीलेन सीलवान बनो, चय वीरियन और बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत वाले बनो जो साधना में करे, चय समाधिना और समाधि में स्थित रहो, धम्म विनिश्चयन चय यानी जो धम्म है उसकी विनिश्चित करो। धम्म को विनिश्चय का मतलब है निश्चित करो और वी का मतलब विशेष निश्चित करो, यानी अपने आप को धम्म में विनिश्चित करो, निश्चित करो, फिक्स करो। संपन्न विद्या चरणा और अपने आप को विद्या से और आचरण से संपन्न करो, संपन्न विद्या चरणा यानी विद्या से जानकारी से और आचरण से संपन्न करो। पतिस्ता, पतिस्त का मतलब है प्रति सतीवान बनो, यानी कि जागरूक बनो, देखते रहो कोई चीज आ रही है उसके प्रति जागरूक रहो। जहिसत, जहिसत का मतलब है कि तभी छोड़ पाओगे, दुःखमिन्द, दुःखमिन्द माने दुख का पूरा समुद्र या दुख का पूरा समूह, स्कंद पूरा, अनपक्क
अनपकंग, अनपकंग का मतलब है जो प्रचुर है, बहुत ज्यादा है, जो लिमिटलेस है, ऐसा जो दुख का समूह है वो तभी छोड़ पाओगे जब आप बहुत ज्यादा तापवान बनोगे, यानी अपने आप को तपाओगे, संवेगवान बनोगे, सीलवान बनोगे, श्रद्धावान बनोगे, बहुत ज्यादा वीर्यवान बनोगे, समाधि करोगे, धम्म का पूरी तरह से निश्चय करोगे, विद्याचरण से संपन्न बनोगे और स्मृतिवान बनोगे, सतीवान बनोगे, तब इसको छोड़ पाओगे, ऐसा भगवान बुद्ध ने बताया। दरअसल उन्होंने बताया कि घोड़े जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा वो होता है कि अगर आप उसको कितना भी मारें वो कभी सीधा नहीं होगा, आपकी बात नहीं मानेगा। एक घोड़ा वो होगा जिसको आप खूब कसाएंगे यानी चाबुक मारेंगे, चाबुक मारने के बाद, पिटने के बाद वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, फिर वो बात मानने लगता है, सध जाता है। आपने देखा होगा पिक्चरों में कई बार घोड़े को रस्सी पकड़ के उसमें घुमाते हैं, चाबुक से मारते हैं, बेसिकली उसको ट्रेंड करते हैं, उसको संयत करते हैं, क्योंकि बड़ा जानवर बड़ा शक्तिशाली होता है, अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको पटक भी देगा। तो दूसरे तरह के घोड़े होते हैं जो थोड़ा बहुत पिटने के बाद में सध जाते हैं। तीसरे घोड़े वो होते हैं जो एक बार चाबुक खाते हैं फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर हम ठीक नहीं होंगे तो चाबुक मारेगा। फिर अगले प्रकार के घोड़े वो होते हैं जो चाबुक जैसे ही हवा में आवाज़ करता है, फटकारता है, तो घोड़ा समझ जाता है और चलने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवरों को जो घोड़ेवान हैं या जो जानवर के चलाने वाले हैं, पालने वाले हैं, वो मारते नहीं हैं, सिर्फ डंडा उठाते हैं या एक फटकार लगाते हैं, क्योंकि उनके पास जो बैंत होता है उसमें एक लेदर की आगे बधे होते हैं बैंत के अंदर, उसकी आवाज़ जैसी आती है तो वो फौरन ही सध जाते हैं। एक घोड़े वो होते हैं जिनको बैंत में उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ वो परछाई देखेंगे बैंत की और आपकी बात मान लेंगे। एक प्रकार के घोड़े वो होते हैं कि उन्हें बैंत उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ मुंह से आवाज़ बोलोगे तो वो आपकी बात को मान लेते हैं। ऐसे ही वो बताते हैं कि बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं जो जब ध्यान साधना में आते हैं तो कईयों को बहुत ज़्यादा फटकारना पड़ता है, कई एक बार की फटकार में समझ जाते हैं, कईयों को सिर्फ इशारा करना पड़ता है, कई भली भांति बिना इशारे के भी काम करते हैं अपने समय के अनुसार में। ये भी मनुष्य में बहुत सारे प्रकार इस तरह के होते हैं, और जिसमें निद्दा, जिसमें लाज होती है, जिसमें शर्म होती है, वो व्यक्ति इशारों से ही बात को मान लेता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Dhammam Sarnam Gacchami.
सिंधुं शरणं गच्छामि तदियमपि संगम शरणं गच्छामि साधु 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 पापदं स्मादयामि कामेषु निचचरं मनसि।